20,000 30,000 भी हो सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकती है। एक जो बड़ी चीज है कि आपके पेपर के पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है, सिलेबस में भी, जब पैटर्न में बदलाव हुआ सिलेबस में भी बदलाव हुआ है। सीएचएसएल का सिलेबस कुछ कुछ पैटर्न सीजीएल के जैसा हो गया है, इसलिए आप ध्यान से समझें, क्योंकि अगर आप ध्यान से पैटर्न को नहीं समझेंगे तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। तो कंफ्यूजन को दूर करें, सबसे पहले जो आपका फॉर्म है वो आज 6 दिसंबर से 4 जनवरी तक भरा जाएगा। तो सीएचएसएल 2022 का जो फॉर्म है ये आज से इसका फॉर्म भरना शुरू है, 4 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा की जो संभावित तिथि फरवरी में इन्होंने बोल रखी है, फरवरी मार्च, मतलब फरवरी के एंड में एग्जाम शुरू हो जाएगा। 60 दिन के करीब आपके पास तैयारी की है और पदों की संख्या टेंटेटिव इन्होंने 4500 दी है, जो कि बढ़ेगी 100%। आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को 18 से 27 वर्ष, मतलब 1 जनवरी इस वर्ष की 1 जनवरी को 18 से कम ना हो, 27 से ज्यादा ना हो। एससी एसटी जो सेंट्रल केंद्र सरकार की लिस्ट में आते हैं उन्हें 5 साल की छूट, केंद्र सरकार की ओबीसी सूची को 3 वर्ष की छूट। उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1995 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2004 के बाद का ना हो, यह जनरल कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी 5 वर्ष की छूट, ओबीसी 3 वर्ष की, भूतपूर्व सैनिक 3 वर्ष की, विकलांग व्यक्ति अनरिजर्व 10 वर्ष, विकलांग व्यक्ति ओबीसी 13 वर्ष, विकलांग व्यक्ति एससी एसटी 15 वर्ष की इसमें छूट दे रखी है। शैक्षिक योग्यता एलडीसी जेएसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कैग में डीईओ को छोड़कर 12th क्लास मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और कैग में डीईओ के लिए 12th में आपके पास गणित विषय के साथ साइंस, मतलब विज्ञान और गणित के साथ 12वीं होनी चाहिए। यह केवल कैग वाले डिपार्टमेंट में जो डीईओ की पोस्ट है उसके लिए, बाकी जो लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर स्टेटिस्टिकल, ये जो होता है जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट करके, और डीईओ की जो पोस्ट होती है नॉर्मल, इसमें आपके 12th क्लास शैक्षिक योग्यता। इस बार जो पहले क्या होता था, केवल पेपर पैटर्न टीयर 1 होता था, इस बार टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है और जो मेरिट लगेगी वो टीयर 2, बिल्कुल सीजीएल जैसा कर दिया। टीयर 3 भी क्वालिफाइंग है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। तो एक एक चीज को समझे, जो टीयर 1 सीबीटी है वो बिल्कुल पहले जैसा है, 60 मिनट 1 घंटे का समय मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जीके, मैथ और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो हर एक सब्जेक्ट 50-50 नंबर का, कुल 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 1 घंटा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, गलत करने पर आधा अंक। इससे साथ ही टीयर 1 की जो मेरिट लगेगी, इस टीयर 1 में जो क्वालिफाई करेंगे उसके आधार पर मेरिट लगेगी, तो आपको टीयर 2 में बुलाया जाएगा और टीयर 2 के आधार पर आपका फाइनल आएगा। टीयर 2 के बारे में समझ लीजिए, बिल्कुल सीजीएल जैसा है। टीयर 2 में इन्होंने 2 सेशन रखे हैं, मतलब दो एक ही दिन में 2 सेशन होंगे, सेशन 1 सेशन 2। पहला सेशन जो होगा वो 2 घंटे 15 मिनट, जब एक बार आप कंप्यूटर बैठेंगे तो 2 घंटे 15 मिनट में उठेंगे। इसमें आपको 2 सेक्शन करनी है, सेक्शन 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग दोनों के 30-30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन करने 1 घंटे में। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर, 180 नंबर का, 180 में से आपको सेक्शन 1 क्वालिफाई करना है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ लगेगी, ध्यान दीजिएगा सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है भैया। सेक्शन 2 इंग्लिश और जीए जनरल अवेयरनेस टीयर 2 में भी आ गई है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जीए के 20 क्वेश्चन, कुल मिला के 60 क्वेश्चन। इसमें भी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 180। सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा बीत गया तो वापस इस पे नहीं आ सकते, सेक्शन 2 के लिए 1 घंटा, ठीक है भैया। इसके बाद में ये 180 सेक्शन 1, 180 सेक्शन 2, कुल मिला के 360 में से आपकी मेरिट लगेगी। ये तो 2 घंटे बीत गए, अब जो 15 मिनट बचे वो आपको सेक्शन 3 कंप्यूटर की नॉलेज चेक करने के लिए। इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 45 नंबर का कंप्यूटर।